युवक को गाड़ी में डालकर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ मारपीट करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने एसपी प्रदीप मोहन शर्मा से मिले और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। परिजनों ने बताया कि 28 मई को सुबह 11:30 बजे गजनेर रोड स्थित पंडिम धर्मकाटा के पास उमेश यांग, विष्णु राठ, मनोज कुकड़ा, मनीष ज्ञानी व 5-6 अन्य हाथ में तलवार, सरिये व लाठी लिए हुए बुलेरो में सवार होकर आए और युवक को बाइक से उठाकर गाड़ी में डाल दिया। यहां से आरोपी युवक को गेमना पीर के पास ले जाकर मारपीट कर कर्मीसर रोड स्थित अग्निशमन केंद्र के पास छोड़कर चले गए। परिजनों ने बताया कि इस संबंध में प्रार्थी ने पीबीएम बीकानेर में पर्चा बयान भी दिया। आरोपियों के खिलाफ नया शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। प्रार्थी के पांव का ऑपरेशन हुआ है जो अभी भी बेड पर है। आरोपी अनुसंधान अधिकारी को दबाव में लेकर खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, जो कि नाम कटवाने तथा धाराओं को हटवाने के फिराक में हैं। एसपी से मिले परिजनों ने आरोपी गण को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर प्रार्थी को न्याय दिलाने की मांग की है। पिछले एक महीना कुछ दिन हो गए हमारे लड़कियों को मारपीट की, गाड़ी में डाल के गेमना पीट ले जाके मारपीट की। हमने नए से थाने में रिपोर्ट कराई, हमारी कोई सुनी नहीं है कि रिपोर्ट दर्ज कर ली। अब हालत ये है, एक महीने कुछ दिन हो गए मेरा लड़का बेड पे पड़ा है, थाने जाते हैं, मीटा उपदेशन देते हैं, किसी को गिरफ्तार किया ना, कोई सुनाई हमारी कोई प्रकार की सुनाई नहीं है। हम चक्कर काटते काटते परेशान हो गए, आज इसलिए यहाँ पे सुबह बच्चे के पाँव में गोलियाँ मारी हुई है, थाने मारे हुए हैं और दोनों टांगे फ्रैक्चर है, हाथ फ्रैक्चर है, 28 चोटें हैं उसमें, हमारी कोई सुनाई नहीं है। और आरोपी खुले घूम रहे हैं, हमें धमकियां दे रहे हैं, पीक में लेके आते हैं, पीक में लेके आते हैं 10-10 आदमी 15-15 आदमी और हमारे घर पे पत्थर मार जाते हैं। रात भर हम दहशत में रहते हैं, पूरे मोहल्ले के आदमी खड़े हैं, ये पूछ लो आप इनसे। पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कोई सुनाई नहीं है, थाना बिका हुआ है, बिका हुआ है। पुलिस वाले कह रहे हैं आप ही विजय पाल जी के पास है, कोई सुनाई नहीं है हमारी। आज आपने क्या किया? आज हम एसपी साहब के पास हुए हैं, ये बात है एसपी साहब को बताइए। एसपी साहब अभी एप्लीकेशन दिए, एसपी साहब क्या आश्वासन मिला? आश्वासन ये मिला कि हम देखेंगे, उसको पकड़ेंगे, एक आरोपी को बाहर नहीं निकलने देंगे। अपना नाम बता दो। मदन लाल है मेरा नाम सर। पिताजी पिछले 26 तारीख को